तो मतलब शिवम बहुत ही ऐसी बातें कह जाते हैं जो दिल को बहुत छू जाते हैं, और मतलब लगता है कि हाँ यार मतलब कुछ तो टूटा है, कहीं तो टूटा है। तो इनकी शायरी में वो गहराई है, और अगर हम अच्छा लिखना शुरू करें और शिवम जैसे लोग, तमाम लोग अच्छा लिखने की कोशिश कर रहे हैं और कविता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, गज़लों को और नज़मों को सहेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोशिश अगर चलती रहे तो शायद बहुत अच्छी बात है। शिवम एक और, तो फिर सुनिए। यूं है कि किसका सरमाया लगता हूँ, किसके जैसा, किसके सरमाया लगता हूँ, मैं उसका साया लगता हूँ, उसका साया लगता हूँ, किसका सरमाया लगता हूँ, अब मैं उसका साया लगता हूँ, खुद से खुद की बात चली, खुद को घबराया लगता हूँ। बहुत बढ़िया। खुद से खुद की बात चली, खुद से घबराया लगता हूँ, आईनों में सब जंग लगा, आईनों में सच्चाई दिखाता है आईना, वो भी नहीं तो किसी काम के नहीं, आईनों में सब जंग लगा, बिखरे बिखराया लगता हूँ, और कौन मेरा अपना हो, कौन मेरा अपना हो, खुद को पराया लगता हूँ, कौन मेरा अपना हो, खुद को पराया लगता हूँ, कल से आंखें नमसी हैं, कल से आंखें देखो नमसी हैं, कल से आंखें नमसी हैं, बहुत मुस्कुराया लगता हूँ, रात भर मोहब्बत चल रही है मतलब आजकल, कल से आंखें नमसी हैं, बहुत मुस्कुराया लगता हूँ, और रहने को अब कोई घर नहीं, देख लो बन जा रहे हैं, रहने को अब कोई घर नहीं, उसका सरमाया लगता हूँ, और कौन मुझसे हाल पूछे, सब सुना सुनाया लगता हूँ। वाह बहुत बढ़िया। कौन मुझसे हाल पूछे, सब सुना सुनाया लगता हूँ, दरवेश हूँ या दरबान हूँ, दरवेश मतलब खुशी, और दरबान मतलब जो आप कहीं जाएं तो वॉचमैन, बिल्कुल जो पहरेदार है आपके हर चीज का, आपकी आदतों का पता रखता है वो, कि दरवेश हूँ या दरबान हूँ, किसका हमसाया लगता हूँ, नजर नजर में शीशा है, नजर नजर में शीशा है, खूब आजमाया लगता है। अरे वाह बहुत बढ़िया। आंखों का सब नूर गया, सब निकल गया, कि आंखों का सब नूर गया, बहुत सताया लगता हूँ, कब से मुर्दों में मुर्दा था, अभी होश में आया लगता है। अरे वाह, कब से मुर्दों में मुर्दा था, मैं भी होश में आ रहा हूँ, अभी होश, अभी कहाँ तो आएगा, अभी होश में आया लगता है, अब वो पहले से आराम कहाँ, थका थकाया लगता हूँ, अब मुझे कोई टोकता नहीं। देखो बड़े बड़े शहरों में क्या है, कोई टोक नहीं होती, टोक नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर बंदा पहले सर चीज जानता है, तो वही चीज है सब कि अब कोई मुझे टोकता नहीं, सब सीखा सिखाया लगता है, कोई मुझे टोकता नहीं, सब सीखा सिखाया लगता हूँ, और जिसको जितना कम बताया उतना बताया लगता हूँ, कि जितना कम बता दे उतने खुल जाते हैं, जिसको जितना कम बताया उतना बताया लगता हूँ, एक अरसा हुआ यहाँ रहते रहते मगर कल ही आया लगता हूँ, एक अरसा हुआ यहाँ रहते रहते। दिल्ली में ये बात तो रहती है कि मतलब ऐसे ही लगता है कि यार कल ही पहुंचे हैं, शुरू करते हैं, बिल्कुल, कि एक अरसा हुआ यहाँ रहते रहते मगर कल ही आया वक्ता हूँ, और पेचोखम इतने उलझे हैं, पेचोखम मतलब जिंदगी के बिल्कुल जो जो दावेदारी हर रोज की चलती रहती है, रोज के टास्क, रोज के मसाइल जो कुछ भी है, पेचोखम पेचोखम इतने उलझे हैं, पिरोया बिखराया लगता हूँ, जैसे बाल उलझते हैं तो जिंदगी ऐसी उलझी है, कि पेचोखम इतने उलझे हैं, पिरोया बिखराया लगता हूँ, और मिर्जा से अख्तर तलक सब पढ़ा पढ़ाया लगता है। बहुत बढ़िया। मिर्जा गालिब से जावेद अख्तर तक पढ़ा पढ़ाया लगता हूँ, अब मैं मुझको मैं नहीं तेरा रूह साया लगता हूँ, बिल्कुल तेरे जैसा, तेरे साए के जैसा हूँ, अच्छा है, तेरा रूह साया लगता हूँ, और अल्लाह तेरी रहमत है, और मैं किसको भाया लगता हूँ, अल्लाह तेरी रहमत है, किसको भाया लगता हूँ। बहुत बढ़िया यार शिवम, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद, बहुत बंद कर दे।